इसके साथ भी नहीं है, उसके साथ भी नहीं है। हमारा कसूर क्या है कि पख्तून है, हमने अमन की बात की है, हमने ये 2013 से पहले का स्वाद नहीं है, आज का स्वाद तो देख ले। मैं मीडिया को कहता हूँ कि खुदा के लिए यार, अस्पताल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल, खेल के मैदान, सड़कें, मोटरवेज, जो जो बनाए हैं वो लोगों को दिखाए कि इस स्वाद को बर्बाद कर रहे हैं, इस स्वाद के अमन को बर्बाद कर रहे हैं। हमारा आपकी लड़ाइयों में क्या काम है यार? नुमाइंदा मैं हूँ, वोट लोगों ने मुझे दिया था, सूबे में हुकूमत मेरी है, लेकिन होता क्या है, मेरे फैसले आप करते हो। तुम कौन होते हो मेरे फैसले करने वाले? मैं इसलिए बार बार वार्न कर रहा हूं कि हालात उस तरफ ना जाए। और तीन चीजें मैं फिर से पहले से बता रहा हूं। नंबर एक, कि आपने कहा कि हालात ठीक है तो हमें ठीक हालात दिखाओ। आज मेरे बच्चे जो है वो स्कूल जाने वाले बच्चे यार, उनके ऊपर फायरिंग हुई है, स्कूल के वैन के ऊपर फायरिंग हुई है। हम कहते हैं रोजाना के दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना यार, उनको बाद में पढ़ा लीजिएगा, पहले मेरे बच्चों को तो पढ़ने दो। ये जुर्म है ये बात करना? तो हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमने अपने स्वाद के मुस्तकबिल के लिए, पख्तूनख्वा के मुस्तकबिल के लिए खड़े होना है, आवाज उठानी है, हमने बात करनी है। आपने कहा ना कि अमन है, हमें हमारा अमन दे दो। हमने तो पूरा अमन स्वाद दिया था। कभी किसी ने पिछले 5-8 सालों में एक वाकया सुना था? कभी किसी ने सुना था कि हमारा अमन बर्बाद है? दुनिया आ रही थी, हमारी मिसालें दे रही थी। 60 अरब का सिर्फ ईद के 3 दिनों में हमारा बिजनेस हुआ था। हमारा बिजनेस भी तबाह, हमारे घर भी तबाह, स्कूल बच्चे नहीं जा सकते।